हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं FW। तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पे है मेरे पास एक समर्सिबल पंप। आप सबने देखा होगा कि कूलर में इसका यूज़ किया जाता है और ये एसी सप्लाई पे चलता है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि अगर हम लोग इसके शाफ्ट को किसी डीसी मोटर से घुमाते हैं तो ये एज ए एसी जनरेटर की तरह काम करने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसे एज ए एसी जनरेटर की तरह चलाएंगे और देखेंगे कि इसे क्या क्या जला सकते हैं, क्या क्या चार्ज कर सकते हैं और इसे कितनी पावर हमें मिलने वाली है वापस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे एक LED बल्ब के साथ, फिर बाकी का बहुत कुछ इसका मेजर करने वाले हैं मीटर के जरिए। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन भी, इसे भी हम लोग इस जनरेटर के जरिए चार्ज करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम लोग इस वाले स्मार्टफोन को भी इससे चार्ज करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी मज़ा आएगा ना, पता नहीं चार्ज करेगा या नहीं, वो तो बाद में ही मालूम चलेगा। तो सबसे पहले मैं इसे एक बोल्ट पे फिक्स कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि ये हिले नहीं। अभी मुझे क्या करना है, इसके आगे के शाफ्ट को निकाल लेना है कुछ इस तरीके से, और एक लोहे का इतना लंबा सा कुछ तार टाइप का लेना है जो कि काफ़ी मजबूत हो। और यहाँ पे आपको एक छेद दिखेगा इसके अंदर खूब छोटा सा, ये देखो। फिर उस छेद में इसी तार को फिट कर देना है, करीब 1 इंच का तार है, इससे लंबा हल्का सा 1 इंच से। और जब ये फिट हो जाए उसके बाद हमें इसके इस वाले भाग को इसमें फिट कर देना है। अब मैंने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके साथ जो शाफ्ट मिली थी वो काफ़ी लंबी थी और हमें इसके दूसरे छोर पर अपनी डीसी मोटर भी लगानी है। तो अगर इसे हटाएंगे नहीं तो लगाएंगे कैसे, तो मुझे हल्का सा जुगाड़ लगाना पड़ा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक 12 वोल्ट की डीसी मोटर ले ली है, करीब 70 रुपये की मिली है, और ये हल्का सा लूज पड़ रही है इसके आगे लगाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ चिपकाना होगा ताकि ये टाइटली फिट हो जाए और टेस्टिंग के दौरान निकल ना जाए। और साथ ही इसके नीचे हमें कुछ सपोर्ट भी देना होगा, हमें इसे ऐसा बनाना होगा कि बिल्कुल भी इसके अंदर का शाफ्ट प्लास्टिक में ना लड़े, आराम से स्मूथली रन करें। तो यहाँ पे मैंने एक लाइटर का यूज़ किया, लाइटर ने काफ़ी सही तरीके से इसकी हाइट इंक्रीज कर दी। अभी मुझे इसे टाइट करना है, तो यहाँ पे मैंने एक टेफ्लॉन टेप का यूज़ किया जो कि पाइपिंग में काम आता है, और इसकी मदद से ये आसानी से इसमें मजबूती से फिट हो गया है। आप लोग चाहें तो कुछ समय के लिए फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे बाद में छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसे 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई भी दे दी है अपनी 12 वोल्ट की बैटरी से। थोड़ा सुविधा के लिए मैंने एक 12 वोल्ट की सप्लाई को कुछ इस तरीके से बोर्ड में लगा दिया ताकि प्लग करने में, प्लग निकालने में थोड़ी सी सुविधा हो। ये देखो कुछ ऐसा बोर्ड मैंने बनाया है, और मोटर में भी एक प्लग को लगा दिया है, ऐसे काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चेक करते हैं पहले इसे चला के, और हाँ इससे दूर रहना है क्योंकि यहाँ पे अभी AC सप्लाई आने वाली है। अरे यार, यहाँ पे भी सीधे का ध्यान रखना है। तो चल तो रहा है लेकिन काफ़ी हिल डुल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसे फिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से टेप वेप लगा के। तो फाइनली हमारा पूरा सेटअप बनके तैयार है, DC to AC जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 12 वोल्ट DC लेंगे और देखते हैं कितने वोल्ट AC सप्लाई मिलेगी। देख लो काफ़ी सिंपल सा है, बस एक एग्जामिनेशन पैड के ऊपर पूरा सेटअप बनाया गया है। तो चलिए इसका स्टेबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि मोटर फ्रीली घूमना चाहिए। तो भाई मोटर बिना किसी वाइब्रेशन से, बिना किसी दिक्कत के घूम रही है। यहाँ पे मैंने बटन भी लगाया है। तो ये देखो पूरा सेटअप तैयार है टेस्टिंग के लिए। ये रहा इसका आउटपुट वायर, इसमें सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे बल्ब। बल्ब को मैंने लगा लिया इस होल्डर में, आप लोग देख लो सिस का LED बल्ब है और ये AC पे चलने वाला ही बल्ब है। तो इस वाले होल्डर में प्लग का ऑप्शन होता है, तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ और ये बस काम हो गया। अब इसे टेस्ट करते हैं। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे AC बल्ब को जला रहे हैं DC पावर सप्लाई से,
और यहाँ पे आपने कुछ सुना? जैसे मैंने बल्ब हटाया मोटर की आवाज बढ़ गई। मानो कोई एकदम असली जनरेटर हो। तो यहाँ पे मैंने मोटर को बदल दिया है। आपकी बात इसके साथ चेक करते हैं। तो भाई बल्ब तो जल गया, अब कुछ दूसरी चीजें ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोर्ड लेके आया हूँ कुछ इस तरीके का। इसके इस सिरे पे मैं चार्जर लगाऊंगा मोबाइल का। तो सबसे पहले ये वाला मोबाइल, ठीक है, देखते हैं क्या होगा, चार्ज होगा या नहीं। इसे कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है मैंने। आवाज सुनना ध्यान से, जैसे चार्जिंग ऑन हुई आवाज कम हो गई। अब आप लोग फिर से ध्यान से केवल आवाज सुनना जब मैं चार्जर को हटाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना यहाँ पे। सुना, कम हुई ना, बढ़ गई। बिल्कुल असली जनरेटर की तरह यहाँ पे बिहेवियर है इसका। ये देखो आवाज बदल गई लोड आते ही। तो चलिए स्मार्टफोन यूज करते हैं चार्जिंग के लिए। ये क्या हो रहा है भाई? मुझे लग रहा है यहाँ पे वोल्टेज जो है लेकिन पावर बहुत ही कम है। तो ये वाला मोबाइल तो चार्जिंग शो कर रहा था लेकिन इसमें तो वो भी नहीं हो रहा था क्योंकि ये ज्यादा पावर लेता है चार्जिंग में। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्या आपके घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और उनको पढ़ाई में दिक्कत होती है और उनको अपने मैथ्स और साइंस के सवालों का जवाब नहीं मिलता? तो बच्चे लोग जो है ना अपने सवाल की फोटो को क्लिक करके अच्छे तरीके से क्रॉप करके .NET के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पे या फिर .NET के ऐप में भेज सकते हैं। और जैसे ही वो सवाल भेजेंगे तुरंत उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कितनी आसान हो जाएगी ना पढ़ाई। और ये जो .NET ऐप है बिल्कुल फ्री है और बहुत सारे स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है। तो एक बार यूज जरूर से करना, बहुत ही कमाल का ऐप है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अब की बार हम लोग इसे इस सोल्डरिंग आयरन को टेस्ट करने वाले हैं, ये गर्म होगी या नहीं। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो क्योंकि अभी तक आपने किया नहीं होगा ना। तो कर दो भाई, कितनी मेहनत लगी है। तो देखते हैं गर्म होगी या नहीं। तो काफी देर लगी रहने के बाद भी हमारी सोल्डरिंग आयरन गर्म नहीं हुई थी। तो अब की बार हम लोग कुछ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करने वाले हैं, देखते हैं कितनी स्पार्किंग होती है इसमें। तो ध्यान से आप लोग बस देखना, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पावर नहीं है कि कोई बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सके। अब की बार हम लोग इस जो एसी मिल रही है हमें इससे एक डीसी फैन चला के देखने वाले हैं, वो भी 12 वोल्ट वाला। देखते हैं क्या ये चलेगा या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे फंसाना होगा कुछ इस तरीके से। एक हो गया और ये दूसरा। क्या ये 12 वोल्ट का डीसी फैन चलेगा इस एसी सप्लाई से जो कि बहुत ही कम है? बस हल्का सा मूव हुआ है, बस चल नहीं रहा है। तो चलिए हम लोग मेजर करते हैं कि हमें सबमर्सिबल पंप से कितनी एसी सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लिया है एसी वोल्टेज पे। चेक करते हैं कितना वोल्टेज बन के आ रहा है यहाँ पे। करीब 157 वोल्ट जनरेट हो रहा है यहाँ पे। और भी मेजरिंग करते हैं। ये वाला मीटर तो वाट भी शो कर रहा है, करीब 2 वाट प्रोड्यूस हो रहा है। वाट पता नहीं कैसे शो कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और देखते हैं क्या शो कर रहा है। और ये शो कर रहा है
हाँ फ्रीक्वेंसी ये देखो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट हो रही है। वोल्टेज अभी बढ़ गया है 160 के करीब हो गया है, 156 करंट मिली एम्पियर में करंट भी शो हो रहा है। अरे वाह, तो काफी कुछ जानकारी यहाँ पे शो हो गई। एक दो वाट पता नहीं कैसे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इस माइक्रोमीटर के जरिए काफी कुछ मेजर किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाना और हाँ वीडियो को लाइक जरूर से करना।